दरअसल सावन महीने में कांवड़ लाने वाले कांवड़ियों का एक और जहां उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस विभाग द्वारा पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत एवं बेहतरीन व्यवस्था उन्हें दी गई, वहीं हरियाणा के पलवल में कांवड़िए पलवल जिला प्रशासन की व्यवस्था से आहत दिखाई दिए। जो बेस्ट जो व्यवस्था थी वो यूपी स्टेट की थी। किस तरह से थी? उसमें क्या सर्विस रोड है, उसमें कोई वाहन नहीं चलते थे, स्पेशल कांवड़ियों के लिए ही बनाया था। और किस तरह की मौजूदगी थी? हर पुलिया पर एक को थानेदार था और पुलिस वाले थे। सबसे बेस्ट जो व्यवस्था थी जो यूपी पुलिस की थी। यहाँ आप हरियाणा में हो, यहाँ किस तरह की? यहाँ क्या है कि साथ ही भांग चल रहे हैं और साथ ही कांवड़े चल रहे हैं। अगर भांग टकरा गया तो कांवड़ खराब हो जाएगी, पूरी दिक्कत है। योगी आदित्यनाथ यूपी की, उत्तर प्रदेश की। किस तरह से पुलिस प्रशासन? बहुत टाइट है, बहुत गश्त है और मतलब बहुत अच्छी देखभाल कर रहा है। हरियाणा में अपन आए सीकरी के बाद में जो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट है इसमें अपने को अभी हरियाणा में यही पढ़ा तो ये यहाँ पर भी ये सही कर रहे हैं। अधीक्षक पलवल श्री लोकेंद्र दिख द्वारा कांवड़ियों के लिए पलवल जिले के अंदर कांवड़ जो लोग हरिद्वार से कांवड़ लेके आ रहे हैं उनके लिए विशेष आने जाने की व्यवस्था की गई है ताकि उनको वहाँ से यहाँ आने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। हमने 3 कांवड़ शिविर भी लगवाए हुए हैं जहाँ उनमें रात्रि के लिए लोग रुकते हैं। हमारे कम से कम 300-350 पुलिस जवान उनके लिए सुविधा के लिए रास्ते में लगाए हुए हैं। हर नाके पर दिन में और रात के समय पुलिस की ड्यूटियाँ रहती हैं। उनको वहाँ पर कांवड़ियों की मदद के लिए पानी की व्यवस्था भी रखाई गई है पुलिस के द्वारा। फर्स्ट एड बॉक्स भी रखाया गया, अगर किसी कांवड़िया को किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तुरंत पुलिस को बताते हैं और हम उसी समय उनका समाधान कराया जाता है। उनसे समय समय पर पूछा भी जाता है कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई हेल्प चाहिए, तो हम उनको वहाँ मौके पर ही अवगत कराते हैं और उनको वहीं मौके पर ही दिलाई जाती है सुविधाएं। जितने भी सिटी के एरिया के अंदर सभी के लोगों को सर्विस रोड के साथ साथ जहाँ पर क्राउडेड एरिया है वहाँ पर हमने कोन या बैरिकेड लगा के उनको रास्ता दिया हुआ अलग स्पेशल चलने के लिए, हम उसमें से उनको वहीं से गुजारते हैं और उनकी सुविधा के लिए विशेष ध्यान भी रखा जाता है। अगर हमें ये लगता है कि भी यहाँ कुछ क्राउडेड एरिया है तो हमारे पुलिस के जवान अपनी राइडर पीसीआर उनके साथ साथ चल के उनको एरिया भी क्रॉस कराते हैं ताकि उनको किसी प्रकार की कोई सुविधा ना हो। सिटी शहर के अंदर तो हम विशेष हमने कम से कम भी 5 राइडर 3 PCR लगाए हुए हैं जो उनको वहाँ से रास्ते से उनको गुजारा जाता है।